The Beauty Sailor. Hi everyone, hello and welcome back to another video on The Beauty Sailor. I am Suhani and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में. ना जब स्किन केयर की बात होती है ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ मिथ्स इन द मार्केट. इतनी सारी चीजें सुनने को मिलती है, स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट स्क्रबिंग. तो आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट स्क्रबिंग. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. मिथ नंबर वन, स्क्रबर्स ऑलवेज हैव ग्रैन्यूल्स. जरूरी नहीं है कि स्क्रब्स में हमेशा ग्रैन्यूल्स हो. बिना ग्रैन्यूल्स वाले स्क्रब्स भी अवेलेबल है. जेल बेस्ड एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल है मार्केट में एंड इवन वाटर बेस्ड भी अवेलेबल है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर स्क्रबर के अंदर स्क्रबिंग पार्टिकल्स और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो. मिथ नंबर टू, यू शुड एक्सफोलिएट एवरी डे. दिस इज अ बिग मिथ. आपको हर रोज एक्सफोलिएट नहीं करना है. यही रीजन है लोगों को रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है स्किन में, उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे एक्सफोलिएट रेगुलरली. आपको अपनी स्किन को पैम्पर करना है, उसको डराना नहीं है. सो एक्सफोलिएशन इज गुड ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक, या फिर आप हर थर्ड डे में इसको कर सकते हैं टू मेक द एंटायर कैलकुलेशन इजियर. मिथ नंबर थ्री, यू कैन यूज बॉडी स्क्रब्स ऑन योर फेस. नाउ योर फेस इज वेरी सेंसिटिव कंपेयर्ड टू योर बॉडी. आपकी बॉडी की जो स्किन है उसके लिए जो स्क्रबर आता है दैट इज अ लिटिल हार्ड एंड वो आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए ठीक है. बट जब हम फेस की बात करते हैं, फेस के लिए ऑलवेज गो फॉर अ स्क्रब विच इज स्पेशली मेंट फॉर फेस ओनली. नाउ टॉकिंग अबाउट स्क्रब फॉर फेस, this is the scrub that I use. This is walnut coffee and coconut face scrub. इसके अंदर है tiny granules of walnut. इसके अंदर है benefits of coffee जो कि premature aging को कम करता है, skin की impurities को reduce करता है and मेरे skin को एक radiant glow and boost of energy देता है. Also इसके अंदर है coconut. Coconut is very good for soothing your skin. So इस scrub को use करने के बाद your skin won't feel irritated. नाउ स्क्रब को यूज करना इज वेरी सिंपल. ऑलवेज यूज अ स्क्रब ऑन क्लेंस्ड फेस. माइल्ड क्लेंजर को लेके अपने स्किन को क्लेंस कर लीजिए. देन टेक अ लिटिल स्क्रब ऑन योर पाम, अप्लाइड ऑन योर फेस एंड जेंटली मसाज इट. बिल्कुल हार्शली रब नहीं करना है, उससे आपकी स्किन में टाइनी कट्स लग जाएंगे जो आपकी नेकेड आई से विजिबल तो नहीं होंगे बट इसका असर आपको बाद में जरूर दिखेगा. सो बी वेरी जेंटल वाइल स्क्रबिंग. फोकस ऑन योर ऑयली जोन्स. मेरे फेस में इट्स दी टी जोन, सो टी जोन पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ. सिमिलरली जो भी आपका फेशियल रीजन है जहां पे आपको फील होता है कि इट्स ऑयली या फिर क्लॉक्ड पोर्स हैं या फिर डेड स्किन बहुत ज्यादा है, वहां पे यू कैन फोकस अ लिटिल मोर. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट मिथ. नेक्स्ट मिथ इज फेस स्क्रब सिर्फ तब यूज करना चाहिए जब आपके फेस में विजिबल डेड स्किन हो. You don't have to wait till you see dead skin and flaky skin all over your face. Always use a scrubber, जैसे कि मैंने पहले बताया, once or twice a week to gently exfoliate and cleanse your face and remove all the impurities to open clogged pores and जो भी dead skin थोड़ा बहुत layer up हो जाता है उसको remove करने के लिए. Don't wait until your skin has flakiness all around and वो visible है. Next myth is you should scrub after waxing. Do not scrub after waxing. Waxing जब आप करते हो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उस टाइम पे. आप जब अपने हेयर्स को बिल्कुल जड़ों से निकालते हो तो आपकी स्किन में एक अलग टेंडरनेस होती है उस टाइम पे. जस्ट यूज अ सूदिंग एंड कामिंग मॉइस्चराइजर और बॉडी ऑयल ओवर इट. डू नॉट गो इन विद अ स्क्रबर. सो या दोज वर द फ्यू मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट स्क्रबिंग. I hope this video was useful for you people in some or the other way. Share this with your family and friends ताकि उनको भी ये knowledge मिल सके. अगर skin में बहुत ज्यादा problem है then you should always refer a derma. Don't believe internet के myths. Thank you so much for watching this video. I hope you people enjoyed watching it. I will see you in the next video super soon. Till then, bye bye.